अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक, दर्दनाक और दिल खराश वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। लाहौर के इलाके चुंग में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान बच्चे तमाशाई के तौर पर वहां पर खड़े थे और क्रिकेट मैच देख रहे थे। इसी दौरान एक बच्चे को प्यास लगती है और वो तीन दोस्तों के साथ एक ऐसे मुकाम की तरफ रुख करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये गेट खुला हुआ है और यहाँ पर पानी मुयस्सर होगा। लेकिन पानी पीना क्या उसे मालूम था कि वो जुर्म बन जाएगा। बच्चा पानी पीने के लिए अंदर जाता है और फिर उसकी लाश वहाँ पर पाई जाती है। आखिर ये वाकया था क्या, पुलिस को क्या इत्तला मिली और पुलिस ने किस तरह ये सारे वाकये में तमाम तर तहकीकात सामने लाने में कामयाब हुए। हमारे साथ मौजूद है SHO चुंग नासिर हमीद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया आपके इलाके के हदूद में, वो कौन सा मुकाम है, क्या हो रहा था, बच्चा किसने मारा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपका। इसमें ये हमें एक 15 पे कॉल मौसूल हुई थी कि जी मेरा एक फार्म हाउस है, एक कॉलर ने ये बताया था कि मेरा एक फार्म हाउस है, ये यहाँ पे एक सोसाइटी है पार्क की, उसमें सिल्वर ब्लॉक में जी, और उसको साथ ही गांव एक मानोवाल गांव है चुंग के इलाके में वो लगता है जी, तो वहाँ पे को बच्चे पानी पीने आए थे तो अचानक जो है वो वहाँ पे फायर हो गया, गन कमरे में पड़ी हुई थी, फायर हो गया जिससे एक बच्चे को वो फायर लग गया। अच्छा, आगे उसने डेथ का या बाकी चीज़ों का उसने नहीं बताया था जी। ये कॉल जैसे ही मौसूल हुई, हम अपनी रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे, मैं था, मेरे साथ मेरे जो गाड़ी पे ऑफिसर थे वो भी मौजूद थे, हम फौरी तौर पर उस साइड का रुख करते हैं। वहाँ पे जाके देखा तो जो फार्म हाउस था वो तकरीबन कोई 5-5.5 कनाल पे मुहित है और उसमें बाहर जो मेन गेट है फार्म हाउस का उसको भी लॉक लगा हुआ था। जब उसको क्रॉस किया फ्लांक के अंदर जाते हैं तो अंदर जाके देखा तो अंदर फार्म हाउस के एक साइड पे एक चारपाई पड़ी है, चारपाई पे एक डेड बॉडी पड़ी थी कुछ 7-8 साल के बच्चे की और उसके ऊपर चादर दी गई हुई थी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फौरी तौर पर हमने क्राइम सीन को सिक्योर किया। बाहर वाला जो मेन गेट का जो ताला था वो डेफिनेटली तोड़ना पड़ा, अंदर बाकी सारे लोगों को जो हमारे पुलिस वाले हैं उनको एंट्री के लिए या क्राइम सीन यूनिट और PFSA वगैरह को बुलाने के लिए। तो जैसे ही हमने देखा तो वहाँ पे उस बच्चे के चेहरे पे फायर लगा हुआ था जो कि उसके चेहरा और माथा जो है ये सारा उड़ चुका था फायर लगने से। अभी दोबारा फिर कॉलर को कॉल करते हैं तो कॉलर जो है उसमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता, कभी कहता जी मैं आ रहा हूँ, मैं भी पहुँच रहा हूँ, मैं यहाँ पे मौके पे नहीं हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कॉलर का जो है वो नंबर बंद हो जाता है। हमारे लिए ये थोड़ी सी हैरानकुन बात थी कि अगर फायर हुआ है और डेड बॉडी पड़ी है तो यहाँ पे कोई ना कोई बंदा होना चाहिए था, इवन अगर इत्तफाकिया हादसा भी है तो ऐसी सूरत हाल में भी कोई ना कोई चीज़ तो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि बच्चा अंदर लाश पड़ी हुई है चारपाई पे और बाहर ताला लगा हुआ है, यकीनन कोई ताला खुला होगा, दरवाजा खुला होगा तो बच्चा अंदर गया है। बिल्कुल, लेकिन जब वो अंदर गया तो बाहर से जो बंदा है मशकूक था, उसे गोली चली, जो भी हुआ वो बाहर चला जाता है, तो बच्चा यहाँ से जाहिर होता है कि फ्लांक कर नहीं गया, दरवाजा खुला हुआ था तो गया, लेकिन वहाँ पर फिर बाद में ताला लग जाता है। तो ये फिर सारी सूरतेहाल को देखने के बाद मदीद फिर क्या हिकमत अमली था? हमारे लिए जो है ना जो चीज़ डाउटफुल बन गई वो इसीलिए बन गई, इसी वजह से बन गई कि मौके पे जहाँ पे डेड बॉडी बाहर पड़ी थी फार्म हाउस का जो बाहर ग्रीनरी या ग्रासी ग्राउंड होता है जी, वहाँ पे पड़ी हुई थी और एक चारपाई पे बड़े उसमें तरीकाकार से रखी हुई थी और ऊपर चादर डाली हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए ये एक बड़े हैरानकुन चीज़ थी कि जी इसको फायर कैसे लगा, क्योंकि फायर राइफल भी वहाँ पे मौके पे नहीं थी और जो जो जायब कुआ था वो भी ये नहीं था। अगर ये जायब कुआ होता, इसी जगह पे सारा हुआ होता तो वहाँ पे ब्लड पड़ा होना था, ब्लीडिंग हुई होनी थी, बाकी जो जिस्म के जो पार्ट्स हैं सारे, आँख वगैरह जो जिस्म की उड़ गई हुई थी वो सारी वहाँ पे मौके पे पड़ी होनी थी, बॉडी जो है वो चारपाई पे पड़ी हुई थी। ऐसी सूरत हाल में ये सारा जो है ना डाउट क्रिएट हुआ। तो वहीं पे एक और कमरा है जी, जिस कमरे में इनका मुख्तलिफ फार्म हाउस वालों का सामान, को फ्रिज, टीवी वगैरह ये वो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई थी। तो जैसे ही वो फिर उसके बाद कमरे का ताला तोड़ा गया तो अंदर जाके देखा तो अंदर एक 12 बोर राइफल पड़ी थी, उसके साथ एक होल पड़ा हुआ था, वो भी एक तरीक़ेकार से रखा हुआ था और अंदर जो है पूरे फर्श को धो दिया गया हुआ था। वाकया अंदर पेश आया जी, वाकया इससे ये साबित हुआ कि वाकया अंदर पेश आया और प्लस जो दीवार थी दीवार के ऊपर भी थोड़े से वो जो उसके खून के छींटे थे वो नजर आ रहे थे।
ऐसी सूरतेहाल में हमारे लिए ये ज़्यादा परेशान कुन बात होगी और तभी तक जो है वो बच्चे की शिनाख्त भी मालूम नहीं थी। बच्चे की पास ना कोई आईडी कार्ड था, ना कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड या कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं थी जिस बेसिस पे हम उसको शनाख्त कर सकें। सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर किया गया, क्राइम सीन यूनिट को बुलाया गया, उसके बाद फिर PFSA को भी कॉल की गई। मैं, मेरे सीनियर ऑफिसर जो ASP साहब हैं, SP साहब, वो वहीं पर मौके पर पहुँचे हैं। इन्वेस्टिगेशन वाले आ गए जी। आके पहले जो हमारे लिए चीज़ थी वो ये थी कि बच्चे की शनाख्त की जाए कि बच्चा आया मुकामी यहाँ का रहायशी है या खुदा न खास्ता बाहर से किसी जगह से किडनैप करके लाया गया है या किसी और जगह से आया है और आगे से ये स्टोरी जनरेट करने की कोई ना कोई कोशिश की जा रही है ताकि जो बच्चा है इसकी जो इंसिडेंट हुआ है इसको छुपाया जा सके। मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, वहाँ पे लोगों से चेक किया गया। चूंकि जो फार्म हाउस है ये गांव से भी हटके है और जो सोसाइटी है उससे भी काफ़ी हटके आता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो मुकामी 4-5 मसाजिद हैं वहाँ पे ऐलान करवाया गया। कोई आधा पौना घंटा हमने वहाँ पे वेट किया, तो मीनवाइल वहाँ पे जो मकामी लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने आके फिर हमें ये सारी चीज़ बताई, ये फला फला का बेटा है, आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया, क्लू मिलने शुरू हो गए। उसका फिर वालद जो है, जो मलक तालब है, उससे हमारा रबता होता है जी। वालद साहब से रबता होके उसको बुलाया गया। वालद ने जो मज़ीद उससे जो बातचीत की, उसने बताया कि जी मेरे जो 4 बेटे हैं 4 बेटियां हैं ये तो घर से क्रिकेट खेलने के लिए या क्रिकेट देखने के लिए आया था, क्योंकि मानोवाल गांव में वहां पे एक क्रिकेट का टूर्नामेंट जिस तरह से अमूमी तौर पर गांव में या इस तरह से होता है, एक लोकल लेवल का टूर्नामेंट भी हो रहा था वहां पे, वो चल रही थी, क्रिकेट चल रही बच्चों थी, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट थी, वो मैच देखने के लिए आ जाते हैं वो बच्चे जो है वहां पे। वो कहता था जी बच्चे जो थे वो हमारे, मेरे बच्चे जो है ना वो यहाँ पे मैच देखने आए थे और अगला जो इंसिडेंट है वो जो है वो मेरे लिए भी हैरान कुन है। उसके वालिद ने बताया वो काफ़ी डेफिनेटली परेशान हो गया। इसमें फिर हमने जो खोज लगाना शुरू की कि जी इसका जो मालिक है फार्म हाउस का, उस तक फिर हम पहुंचे हैं। मालिक से फिर बातचीत करने के बाद ये चीज़ पता चली कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी था जो कि वहाँ से फरार है, प्लस मकामी लोगों ने भी ये बताया कि यहाँ पे एक गार्ड कम जिसे कह लें आप चौकीदार है और प्लस अंदर की जो सफाई सुथराई का काम करता है वो भी मौजूद था। उस गार्ड का पता किया गया, उसका नंबर पे रबता किया गया, नंबर जो है उसका बंद जा रहा था। उसकी रहाइश को आइडेंटिफाई किया गया, घर में उसके रेड किया गया तो वो बंदा जो है वो घर से गायब था। उसके बाद जो है वो जो वहाँ पे हमें मौके से जो चीज़ें पता चली, वहाँ पे एक छोटा बच्चा और जो कि इस छोटे बच्चे के साथ मौजूद था वो भी गांव से आ गया। वो डर के मारे जब ये इंसिडेंट हुआ है वहां से भाग गया था। उसकी उम्र भी कोई 8 उन्होंने देखा जरूर था जब इसको गोली लगी। जी, जब इसको गोली लगी है तो वो इस बात पे फिर वहां से भाग गए थे और अपने अपने घरों में चले गए थे जी। तो ऐसे इस सूरत हाल में फिर जो है वो हमारे लिए जो है वो चीज़ें ये सबसे पहले सामने आई कि ये एक ऐसा हादसा है जो यहीं पर ही रूनमा हुआ है और यहाँ पे हादसा होने के बाद गार्ड ने जो है उसके साथ को डेफिनेटली कादा और बंदा होगा जिसने जैव कुआ को धो दिया और लॉक लगा के अंदर वाले कमरे को, जो वहाँ पे 2 कमरे हैं, ये तमाम उसने एरिया को धोया है। धोने के बाद बाहर फिर जो फार्म हाउस के करीब जो कच्ची जगह थी जो उस कमरे से बाहर थी उसको भी उसने प्रॉपरली धो के सबूत मिटाने की कोशिश की और अपनी जो अपना जो जुर्म है इसको छुपाने के लिए उसने ये सारी हरकत की। वाले साहब से उससे डिस्कस किया, फिर बच्चे से पता किया तो ये पता चला कि ये बच्चे जो हैं रूटीन में मुख्तलिफ जो गांव के बच्चे हैं वो वहाँ पे जाते हैं बाहर क्रिकेट खेलने के लिए या किसी भी इवेंट के लिए, तो ये एक फार्म हाउस उसके करीब भी वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बच्चे अक्सर जो है ना वो पानी पीने के लिए प्यास लगती है डेफिनेटली, तो ऐसे सूरत हाल में बच्चे अंदर चले जाते हैं, अंदर जो टूटी या नल लगा हुआ वहाँ से पानी पी लेते हैं। और कोई ऐसा भी सीन नहीं है कि जी को खुदा ना खास था कि बहुत महंगा पानी था जी, वो नेस्ले की बोतल मांगते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिस वजह से बंदे को तैश आया या को फ्रिज से निकाल के पी रहा था। बाहर जो टूटी वगैरह लगी हुई थी या नल लगा हुआ था उससे बच्चा पानी पीने के लिए अंदर गया है। जैसे ही वो बच्चा अंदर दाखिल हुआ है तो उस बच्चे ने बताया कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने इनको गालियाँ निकाली हैं और उस गार्ड ने इन पर राइफल सीधी की है और फायर किया है, जो कि बदकिस्मती से उस छोटे बच्चे को लग गया और बच्चे की मौके पे ही ऑन द स्पॉट जो है वो डेथ हो गई। इस डेथ होने के बाद जो बच्चे बाकी जो दूसरे थे वो वहाँ से भाग जाते हैं, उनको भी ये गालियाँ निकालता है। फिर जो गार्ड है ये अपने
भाई को इसने बुलाया है, उसने उन्होंने फिर वहाँ से मिलके इसको क्राइम सीन को सारे को धोया है, धो के इसको क्लियर करने के बाद कोई दो तीन घंटे का ये प्रोसेस करने के बाद फिर ये वहाँ से इसने अंदर लॉक किया है, राइफल अंदर छोड़ी है, डेड बॉडी को जो अंदर इस इनकी अपनी चारपाई थी चारपाई पे शिफ्ट किया है और उसको बाहर जो ग्रासी उसका प्लॉट था उसमें रखने के बाद वहाँ से गार्ड जो है वो फरार हो गया। गार्ड जैसे ही फरार होता है तो उसके बाद फिर हमें जो है वहाँ पे प्राइवेटली सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की, प्लस हमारा जो टेक्निकल तरीकाकार होता है जी कॉल डिटेल से लोकेशन से बाकी सारी चीज़ों से हमने उस पर वर्कआउट शुरू किया। तो हमें रात के टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि जी ये जो बंदा जो है ये पीछे से ओकाड़ा का रहायशी है और ये यहाँ से फरार हो के तो वहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन पे प्राइवेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने फिर जो है यहाँ पे ओकाड़ा का जो स्टैंड है वहाँ से इस बंदे को भागते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उसको अरेस्ट किया है। जो वेपन था वो हमें रिकवर हो चुका है, आला कत्ल जो था, और प्लस इसने अपने इस जो जुर्म का वो एतराब भी इस हद तक किया है कि जी मुझे चूंकि गुस्सा आ गया था, पहले भी कोई दो तीन दफ़ा इसने इन बच्चों को पानी पीने से मना किया था तो तैश में आके इसने फायर मारा है जिसके बेसिस पे फिर बच्चे की डेथ हो गई। इसने जब ये फायर करने के बाद अपने जुर्म को मिटाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए, उस सारा जो इसने वाकया किया बाद में वो इंटेंशनली किया है, पहला भी पुलिस को भी धोखा देने की कोशिश की, पुलिस को भी धोखा देने की, बच्चे की जान भी ले ली, और उसके बाद वहां से धोने के बाद वॉशआउट करने के बाद बॉडी वहां से अंदर से उठाता है, उठा के बाहर चारपाई पे रखना और फिर तसल्ली से अंदर वाले जो कमरे हैं उनको लॉक करना, लॉक करने के बाद बाहर वाले गेट को लॉक करना, लॉक करने के बाद वहां से फरार हो जाना और फरार होने के बाद मालिकों को बताना या उसी दौरान बताया है तो फिर वहां पे मौके पे मौजूद ना होना, ये सारी चीजें इसकी सफाकियत को, इसके जो इसके जहन में इसके दिल में मौजूद है, जो जो इसके जाबराना रवैये को, जालमाना रवैये को जाहिर करता है और इसके शातराना रवैये को जाहिर करने के लिए ये चीज मौजूद है कि इसने उसको वॉश किया है, बॉडी वहां से मूव की है, मूव करने के बाद जो है वो ये मौके से फरार हो गया और अपने सारे फार्म हाउस को ताले तूले लगा के गया कि जी ये जो है किसी भी एंगल से इस वकूए को मैं छुपाने की कोशिश कर सकूं। लेकिन जुर्म छुपता नहीं है। पुलिस ने ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और एक ऐसे कातिल को गिरफ्तार किया जिसने एक कम उम्र बच्चे को बगैर कोई सोचे समझे गोली चला दी, फायर लगा, उसकी जान चली गई और बहुत ही खौफनाक चेहरा उसका हो गया है। वो 12 बोर राइफल बताया जाता है जी। तो 12 बोर राइफल का जो ट्रिगर कहते हैं कि वो भी नहीं, उस दबाई गोली चल गई, ये क्या करना चाह रहा था? असल में अभी तो जो है वो डेफिनेटली मुलजम जो है वो अपनी बचत के लिए कोई ना कोई कार्रवाइयाँ करता है। डेफिनेटली इसने जो पहली कार्रवाई ये की कि इसमें जो वकूआ होने के बाद मौके से फरार होने से पहले इसने सारे क्राइम सीन को धोया है, फिर जो वेपन जहाँ पे पड़ा था उस जगह से इसने हटा के किसी और जगह पे रखा है, डेड बॉडी जो है इसको प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड शेप में एक चारपाई पे शिफ्ट की है, शिफ्ट करने के बाद उसके ऊपर चादर रखी है, चादर रखने के बाद जो बच्चे दूसरे थे उनको भगाया और लॉक लगा के गायब हुआ है।
तो ये तो अभी डेफिनेटली यही कहेगा कि जी ये अचानक ट्रिगर दब गया या दूसरे या तीसरे मामला थे, लेकिन असल जो हकायक वही है, बच्चे जो की जान इसी ने ली, बच्चे की जान इसी ने ली है, हाथ में आके बच्चे पर गोली चलाई, बच्चे पे गोली चलाई जिससे कि बच्चे की मौके पे अनलकीली डेथ होगी। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो वैसे भी जो एक इज्तमाही तौर पर एक रवैया बन गया है, बर्दाश्त जो है हमें वैसे ही कम हो गई हुई है, एक बच्चे आए हैं वहाँ पे पानी पीने, तो ये उनको वैसे भी जिसे पंजाबी में कहते हैं कि जो दबका मार के भी भगा सकता था वहाँ से, उनको वैसे कुछ झिड़क दे के भगा सकता था, अगर उनको भगाना ही मकसूद था तो कुछ छड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वेपन उठा के अगर किसी बच्चे को भगाया, भगाने का जो मकसद है वो तो डेफिनेटली ये है कि जी इसने इंटेंशनली बच्चे को फायर मारा, बिल्कुल रोक सकता था, बच्चे कौन सा उनके साथ लड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि पानी पीने गया था ना वो, कोई खुदा ना खास्ता तो पानी पीना ही जुर्म बन गया, पानी पीना जो है बच्चे का, उसको प्यास लगना, अनलकीली वहां पे जाना मैच खेलने, मैच खेलने के बाद उसको प्यास लगना, प्यास लगने के बाद इस फार्म हाउस को अपने लिए उसने एक कोई अच्छी जगह समझा होगा कि यहाँ से मुझे पानी इजीली मिल जाएगा पानी पीने के लिए, अंदर गया कि ये बड़ा, ये उसके छोटा, और ये उसकी मौत का बाइस बन गया बेचारे का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब ये अपने दोस्तों के साथ पानी पीने जाता है तो दोस्त जब आपको पता चलता है कि ये भी स्पॉट पर थे, तो उनको जब आपने इंटरोगेट किया तो वो क्या कहते थे कि क्या हुआ एक्चुअली, वो सारी स्टोरी क्या थी? जी जो बच्चे हैं डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो बहुत कम झूठ बोलते हैं, अभी जो उनकी भी उम्र इसके साथ की है, कोई 7 साल का है, 7-8 साल का बच्चा है जी दूसरा जो है वो भी, उसका भी मौकफ यही है कि जी हमें प्यास लगी थी, चूँकि गर्मी थी तो दोपहर का टाइम था कोई 12 बजे के करीब का, तो हमने सोचा कि जी करीबी जो है नल है वो यही इसी जगह पर टूटी जो है यहीं पर मौजूद है, तो अंदर जा कर फार्म हाउस से पाइप से पानी पी लेते हैं, तो बच्चे वो वहाँ पे गए हैं दोनों बच्चे जो है, और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की है, तो इसने फिर तैश में आके, इसने पहले रोका होगा, उनको मना किया होगा, लेकिन डेफिनेटली बच्चे हैं वो खुदा ना खास्ता कोई चोरी की नीयत से नहीं गए, कोई इसे लड़ाई झगड़ा नहीं करने गए, या कोई और कोई पैसे मांगने नहीं गए, कोई ऐसी चीज़ कोई ऐसी इशू नहीं था जिसकी बेसिस पे जो है वो इसका उसको फायर मारना जो है ना वो जस्टिफाई होता हो। और दूसरी बात यह है कि डेफिनेटली ये सारे जो ये खुद भी बच्चों वाला है, ये खुद भी शादीशुदा है, तो इसका भी जो अपना जाती तौर पे ये भी जो वो होना ये चाहिए था कि अगर कोई बच्चा आ गया है तो आप उसको मना कर दें, बाहर निकाल दें या अपने दरवाजे को लॉक कर लें, लेकिन ये सारे इसने करने की बजाय इसने फायर मार के उस बच्चे की जान लेना ही मुनासिब समझा, जो कि इसने इंतहाई जो है वो जालिमाना और सफाकाना हरकत की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कानून के दायरे में आ चुका है जी, इसको पकड़ के वेपन रिकवर करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया जा चुका है, आगे फिर जो इन्वेस्टिगेशन फर्दर है वो साथ साथ चलेगी, और इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जी पूरे सारे विटनेसेस, सारी एविडेंसेस उनको इकट्ठा करके, चेन ऑफ एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करके, तो इसको करारे बाकी जो है वो सजा दिलवाई जाए। अच्छा सर, ये जो फार्म हाउस का केयर टेकर था, चौकीदार था, ये कब से वहाँ पर मुलाजमत कर रहा है, और इसकी फैमिली भी उसी फार्म हाउस में रहती थी या अकेला रहता था? नहीं, ये वहाँ पे फार्म हाउस पे अकेला ही था जी, इसका घर जो है ना इसको उन्होंने ही, जो फार्म हाउस के मालकान हैं उन्होंने उसी गांव में आगे कुछ 5-7 मरले का घर है, क्वार्टर टाइप समझ लें, वो घर जो है वो इस पूरी फैमिली के दिए हुए हैं, तो ये इसकी पूरी फैमिली जो है उस जगह पर रहती है, ये फार्म हाउस में चौकीदारी करता था, कुछ सफाई छोटी मोटी सफाई सुथराई का काम करता था, वहाँ पे ये अकेला ही होता था, यहाँ कभी कभार जो इसका भाई है वो इसके साथ चला जाता था। फार्म हाउस के चौकीदार ने ना सिर्फ एक बच्चे की जान ली बल्कि जायब कुआ से सबूत मिटाने की कोशिश भी की, तो किन दफात के तहत मुकदमे का इंदराज अमल में लाया गया? जी इसमें जो है वो वारसान के मुताबिक, उनके मौकफ के मुताबिक जो उन्होंने दिया है और जो वहाँ पे हकायक मौजूद थे उसके मुताबिक हमने 302-34 और साथ में 201 सबूत को मिटाने के लिए, तो इन सेक्शंस के तहत FIR दर्ज की है, और इसमें मौके से ही हमने जो हमें एविडेंसेस मिली हैं, जो शहादतें मिली हैं, वो मौके से ही कुछ हमने कलेक्ट की हैं, कुछ PFSA को बुला के और क्राइम सीन यूनिट वालों के साथ मिलके उनको इकट्ठी की हैं, और इकट्ठी करने के बाद जो है वो हम इसको प्रॉपरली इंशाल्लाह अज़ीज़ करा रहे, बाकी सजा दिलवाएंगे। बतौर SHO आप ये बात कर रहे हैं कि अनक्लू सिचुएशन थी, विक्टिम सामने था लेकिन कातिल सामने नहीं आ रहा था, और उसकी डेड बॉडी चारपाई पे पड़ी है, लेकिन जब उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो उसका
चेहरा मसख हो चुका है, वो उड़ चुका है, दिमाग भी नहीं है, तो वेन्स वगैरह कहाँ पे उसने साफ करके कहाँ रखी? अच्छा, ये जो है ना, ये वकुआ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये उसका जो वकुआ है, ये सारा कमरे के अंदर हुआ है जी। कमरे के अंदर ही सारा इंसिडेंट हुआ है। वहाँ पे इसका दिमाग का हिस्सा, ब्रेन है, वेन्स, वो जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी आर्टिकल्स है इसके, बाकी हड्डी है, आँख है एक साइड की, बाकी सारी चीज़ें जो है, ये उसने जब धोया है तो धोने के बाद साथ ही जो है वो ना पाइप समझ लें, नाली समझ लें या गट समझ लें, उसमें बहा दिया है। क्योंकि प्रॉपरली इसने अच्छे तरीके से तसल्ली से तमाम जैव कुआ को धो के साफ करके बॉडी अंदर से उठाई है, उठा के वहाँ पे वो प्रॉपर ब्लड के जो है ना वो निशानात जो है ना, ड्रॉप्स और सेंज वहाँ पे मौजूद हैं, वो लेके तो फिर ये गया है एक साइड पे कमरे के साथ ही जो ग्राउंड है जी, वहाँ पे उसने बॉडी को चारपाई पे रखा है। चारपाई पे रखने के बाद ऊपर चादर बिछाई है, और इतना जालिमाना काम करने के बाद भी इसका दिल जो है वो डोला नहीं है, या इसको खौफ नहीं आया, या इस पे लर्जा तारी नहीं हुआ कि जी मैंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया है। और उसके बाद बजाय इसके कि ये एक नेचुरल इंसान में इंस्टिंक्ट होती है कि जी मैं डॉक्टर को कॉल करूँ, 112 को कॉल करूँ कि कोई आए, शायद वैसे तो पॉसिबल नहीं था लेकिन शायद इसकी जान किसी तरीके से बचाई जा सके। ये हमारा एक नेचुरल एक है जी फिनोमेना है, और ये होना भी चाहिए। फायर किया और इसने, जब ये फायर करने के बाद अपने जुर्म को मिटाने के लिए, सबूत को मिटाने के लिए, उस सारा जो इसने वाकया किया बाद में वो इंटेंशनली किया है। पहला भी इंटेंशनली धोखा देने की कोशिश की, पुलिस को भी धोखा देने की, बच्चे की जान भी ले ली, और उसके बाद वहां से धोने के बाद, वॉशअप करने के बाद बॉडी वहां से अंदर से उठाता, उठा के बाहर चारपाई पे रखना, और फिर तसल्ली से अंदर वाले जो कमरे हैं उनको लॉक करना, लॉक करने के बाद बाहर वाले गेट को लॉक करना, लॉक करने के बाद वहां से फरार हो जाना, और फरार होने के बाद मालिकों को बताना, या उसी दौरान बताया है तो फिर वहां पे मौके पे मौजूद ना होना। ये सारी चीजें इसकी सफाकियत को, इसके जो इसके जहन में, इसके दिल में मौजूद है, जो जो इसके जाबराना रवैये को, जालमाना रवैये को जाहिर करता है, और इसके शातराना रवैये को जाहिर करने के लिए ये चीज मौजूद है कि इसने उसको वॉश किया है, बॉडी वहां से मूव की है, मूव करने के बाद जो है वो ये मौके से फरार हो गया है, और अपने सारे फार्म हाउस को ताले तूले लगा के गया है कि जी ये जो है किसी भी एंगल से इस वकुए को मैं छुपाने की कोशिश कर सकूं। लेकिन जुर्म छुपता नहीं है, पुलिस जालिम तक, कातिल तक पहुंच जाती है। तो जहां पर ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और पुलिस ने किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट किया और जिस महारत के साथ इस वाकये में मुलविस मुल्ज़िम तक पहुंचे, लेकिन जो ऑनर है क्या उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्योंकि ना ही ट्रेंड गार्ड है और ना ही वो लाइसेंस होल्डर है, और उसको एक राइफल दे दी गई है, लोगों की जान ले ले, कुछ भी कर ले जी। उसमें इस बात का तायुन अभी होना ज़रूरी है कि इसमें क्या उस फार्म हाउस के मालिक का किस हद तक नेगलिजेंस है, जो कि तफ्तीशी टीम ही डिसाइड करेगी, क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलती जाएगी उसमें जिस जिस का किरदार आएगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह कानून के मुताबिक सबको उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और जो बच्चे के लवाहिकीन हैं, वालदैन हैं, उनको इंसाफ हर सूरत में यकीनी बनाया जाए।
बच्चे की जान चली गई, कातिल चूंक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी सदर गयूर साहब हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि सर ये बहुत ही अफसोसनाक कहानी है और इसमें जो बच्चे का कातिल था वो तो पकड़ा गया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि मुल्ज़िम को ट्रेस कर लेना। इब्तदाई तौर पर जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, अनक्लू सिचुएशन होती है कि कातिल कहाँ है और जो बच्चा मरा हुआ है उसको बड़े एहतमाम के साथ चारपाई पर चादर दे के लटा के और मुल्ज़िम फरार हो जाता है। जब ये वाक़या पेश आता है तो ये पता चलता है कि 12 बोर जो राइफल है उसका कारतूस चला है और बच्चे का चेहरा जो मांस मूस था, दिमाग वेंस थी, वो उड़ जाता है। तो ऐसे में फिर ये जो 12 बोर राइफल्स इस्तेमाल की जा रही हैं, सिक्योरिटी कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं, उनकी रोकथाम के लिए कि अगर इस राइफल को यूज़ करना है तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके हवाले से कोई लेटर लिखा जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा वाक़े के मतलब बताऊँ और आपने बात की कि बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। 7 से 8 साल का बच्चा है, वो बच्चा फार्म हाउस में एक जाते हैं, उसके साथ और भी बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे वो खेलते हुए या जैसे भी उस जगह पे ये सारा वकुआ हो जाता है। तो इंडीड सबसे पहले हमारे लिए चैलेंज यही था कि जो बच्चे के लवाकीन हैं और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं इलाके के, वो जब तक मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं होता तब तक हमें ये खदशा रहता है कि छोटे बच्चे की कीमती जान गई है तो लोग सड़क पे ना आ जाएं या किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना करें, इत्तेजाज ना करें। तो हमारी SHO चूंग की टीम ने बड़े प्रोफेशनली उसको टैकल किया और मेक श्योर किया कि जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से भागा हुआ था उसको फौरन गिरफ्तार किया, FIR का इंदराज किया और जो लवाकीन थे वो इस पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन हुए और फिर आगे सारे जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे करते हुए तफ्तीश का अमल शुरू हो गया और हमने मुलजमान को तफ्तीशी टीम के हवाले कर दिया। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि जो 12 बोर राइफल्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं सिक्योरिटी कंपनीज की तरफ से, तो दो तरह के इसमें सिनेरियोज होते हैं। एक वो जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जिनके पास लाइसेंस्ड वेपन है और जिनके पास ट्रेंड गार्ड हैं, वो बिल्कुल सिक्योरिटी कंपनी की जो SOPs जो लवाजमात पूरे कर रहे हैं उस पर हमारी कड़ी नज़र होती है और हम चेक भी रखते हैं कि जितनी भी जहाँ जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे जो असला है क्या वो लाइसेंस्ड है, अगर लाइसेंस्ड है तो जो कीपर है असले का क्या वो ट्रेंड है। लेकिन कहीं कई जगहों पे कोताही सामने आती है, उसमें पुलिस की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस, या अगर लाइसेंस्ड वेपन नहीं है या अगर ट्रेंड गार्ड नहीं है तो हम रोज़ाना की तादाद में कई मुकदमात दर्ज करते हैं। और जो कंपनी इस जुर्म की मुर्तकब होती है जिसने ट्रेंड गार्ड नहीं रखा हुआ या असले का लाइसेंस नहीं है, हम उनकी मनसूखी के लिए, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए होम डिपार्टमेंट को भी लिखते हैं और उसको फॉलोअप भी करते हैं। अच्छा सर, इस कहानी के पीछे कुछ ऐसे मुहरकात भी हैं जो इंतहाई अफसोसनाक खबर की तरफ ले चलते हैं और सिचुएशन इस तरह गंभीर है कि एक बच्चा मार दिया गया और फिर सबूत भी मौके से शवाहद वगैरह भी मिटाने की कोशिश की गई और वो कामयाब भी हुआ और फिर वहाँ से फरार भी हो गया, बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन ये इतना शातिर मुल्ज़िम सफाकियत की इंतहा हो गई है, एक बच्चे की जान ले ली है और फिर जो क्राइम सीन है उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। नहीं, लेकिन देखें इसमें हमारी कामयाबी पुलिस की यही है और जो हमारा काम भी है कि अगर किसी भी किस्म का जुर्म हुआ तो सबसे पहले तो हम तय करें कि उस जुर्म में कौन मुलव्वस है और उसको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लेके आएँ, और अगर किसी ने कोई सबूत मिटाए हैं तो उसमें भी कानून मौजूद है, उसकी दफ़ात हमने FIR में शामिल की हैं सबूत मिटाने की और उस पर उसको बाकायदा सजा मिलेगी। अब ये जिस फार्म हाउस का केयर टेकर था ये तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन जो ऑनर है क्या उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि ना ही ट्रेंड गार्ड है और ना ही वो लाइसेंस होल्डर है और उसको एक राइफल दे दी गई है, लोगों की जान ले ले, कुछ भी कर ले? जी, उसमें इस बात का तायुन अभी होना ज़रूरी है कि इसमें क्या उस फार्म हाउस के मालिक का किस हद तक नेगलिजेंस है, जो कि तफ्तीशी टीम ही डिसाइड करेगी, क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे चलती जाएगी उसमें जिस जिस का किरदार आएगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह कानून के मुताबिक सबको उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी
और जो बच्चे के लवाहिकीन हैं, वालदैन हैं, उनको इंसाफ हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल ठीक है, कातिल गिरफ्तार हो चुका है और दौरान तफ्तीश उसने क्या इंकशाफ किया, वजह क्या थी उसको मारने की? अभी तक ये बात सामने नहीं आई, चूंकि अभी कोई पानी पीने का जुर्म भी था इस तरह नहीं, की नहीं ऐसी चीज, ये भी चूंकि सारी मुख्तलिफ मफरूजात है, चूंकि मुकदमे का वो तहरीर का वो FIR में जो मतन दर्ज है वो तो यही है, लेकिन उसमें जैसे मजीद तहकीकात में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी मेरा ख्याल 8 से 10 घंटे हुए हैं, शायद कल रात को लेट नाइट पकड़ा गया है, 24 घंटे से भी कम का टाइम है, तो अभी कबल इस वक्त है ये कहना कि एक्चुअल क्या यही वजह थी कि जी पानी पीने के ऊपर उसने किया है या कोई और बात थी, तो ये जैसे जैसे तहकीकात सामने आती जाएंगी, तो अभी कबल इस वक्त है कि तफ्तीशी टीम के नतीजे के से पहले हम कोई बात ऐसी बयान करें जो कि कल को साबित ना हो सके। बिल्कुल ठीक है, SP सदर गयूर साहब हमारे साथ बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि इस जुर्म के पीछे जो कातिल था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम तरह हकाइक और पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात आगे लेकर चली जा रही है।